हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनुराधा श्रीवास्तव। मॉल में चलाने क्या तो क्या कर रहे हो? कहाँ जा रहे हो? ला मॉल मॉल क्या करने? गाड़ी चलाने। गाड़ी चलाने जा रहे हो? लव के लिए हम लोग सिर्फ एक मॉल जाते हैं और कहीं नहीं जाते हैं। छोटी गाड़ी चलाओगे? कैसे चलाओगे अच्छा बता दो। स्टेयरिंग पकड़ोगे? इतने छोटे तो तुम्हें पता भी नहीं था कि स्टेयरिंग कैसे पकड़ी जाती है। चलो बोलो, हम लोग अभी कार में मिलते हैं। कार में? ओके बाय बाय। सुनिए, और यहाँ आते ही मेरे बेटे का स्टार्ट हो गया गाड़ी चलाना, ट्रेन चलाना, और इसके साथ साथ में हम भी इंजॉय और मस्ती कर लेते हैं। ये देखिए, हम लोग एक बस पे चढ़ गए, लंदन बस। तो यही है कि बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स भी इंजॉय कर लेते हैं, और मैं तो यार करती हूँ, क्योंकि अब मौका मिला है तो क्यों ना जाए, है ना। तो ठीक है, मेरी वीडियो को ऐसे ही देखते रहिए, इंजॉय करते रहिए। Yes. Love. Love, इधर यहाँ यहाँ love इधर love इधर love इधर कर
लव को कोई ट्रेनिंग हमें देने की कभी कोई जरूरत नहीं पड़े। लव ऊपर है, इधर ऊपर थोड़ा बहुत घूमने घामने के बाद फिर हमें थोड़ी थोड़ी भूख लग गई, तो मैंने सोचा कि चलते हैं कुछ थोड़ा बहुत खा लेते हैं, तो वही खाने आ गई थी। और खा के फिर हम, देखिएगा आप, हम फिर गेम सेक्शन में चले गए। मैं इनसे मना कर रही थी कि अभी मत जाइए, बाद में जाएंगे, लेकिन वो जब अपने बेटे को लेके घूमने निकलते हैं तो पूरा फोकस देते हैं।
ही गाइस, तो फिर हम जब वापस घर जाने लगे तो फिर लव को ट्रेन और बस फिर सब में एक बार फिर जाना था, तो हमने एक बार राइड फिर कराई और फिर निकल गए अपने घर के लिए। कम से कम 3 से 4 घंटे हमने टाइम स्पेंड किया और फिर हमें घर जाना था, क्योंकि लव को भी खाने का टाइम हो गया था उसका। और उसके खाने के टाइम पे मैं कोई भी लापरवाही नहीं चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि टाइम से जो बच्चे का टाइम है वो फिक्स हो। इसीलिए मैं हमेशा कहीं जा भी नहीं पाती हूँ, बहुत दूर कहीं जाती भी नहीं हूँ, ऐसी जगह जाती हूँ कि तुरंत घर आ जाऊँ। तो ये मेरा मॉल मेरे घर से मात्र 5-10 मिनट के रास्ते पर ही है। और खाने की बात से ये लगा कि बहुत लोग कहेंगे कि बाहर भी तो आप कुछ खिला सकती हैं, लेकिन मैं बता दूं मेरा बेटा बाहर का कुछ भी नहीं खाता है। वो एक तो खाता ही नहीं है, और जो भी थोड़ा बहुत लेता है वो घर का ही कुछ ले पाता है, इसलिए हम उसको बाहर कुछ चाह कर भी नहीं खिला पाते हैं। कौन से माँ बाप ऐसे होंगे जो बच्चा डिमांड करे और नहीं देना चाहेंगे, बट मेरे साथ ऐसा नहीं है। लव मेरा बाहर का कुछ खाता ही नहीं है, थोड़ा बहुत जो खाता है कुरकुरे चिप्स, उससे तो पेट भरेगा नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि मैं कोई भी हेल्थ के साथ इशू नहीं चाहती हूँ, मुझे लगता है जैसा मेरा बच्चा है वैसे ही रहे, और मुझे क्या, हर एक माँ को लगता है ये चीज़। तो बस यही है, यही मैं सोचती हूँ। और ऐसा नहीं है कि हम नहीं खा सकते हैं बाहर, बिल्कुल डेफिनेटली हम खा सकते हैं, बट सीरियसली गाइस मेरा पेट नहीं भरता है। मैं कहीं घूमने जाती हूँ, कहीं रेस्टोरेंट में अगर कुछ खाती भी हूँ तो मेरा पेट नहीं भरता है। मैं घर में आके मुझे डेफिनेटली भूख लग जाती है, कुछ ना कुछ बनाती हूँ, तो हम इग्नोर ही करते हैं ज़्यादातर। कुछ हल्का फुल्का नाश्ता वगैरह कर लिया, कभी ऐसा बिल्कुल कसम भी खा के नहीं बैठे कुछ खाएँगे नहीं, ऐसी सिचुएशन आई तो हम बाहर डेफिनेटली खाते ही हैं। लेकिन अगर हमारे पास टाइम है और हम जा सकते हैं तो मैं कभी पीछे नहीं हटती हूँ इन सब चीज़ों से। मैं जाके घर में प्रॉपर बना के खाती भी हूँ, खिलाती भी हूँ हस्बैंड को भी बच्चे को भी। तो ठीक है फिर। हे गाइस, तो फिर हम घर आ गए थे। घर आने के बाद हम जुट गए अपने किचन के कामों में, क्योंकि हम बाहर का खाना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता है, लगता है घर का 2 रोटी वो ज़्यादा बेस्ट है। तो फिर वही किचन के काम में, अपना तो कुछ भी खा लो लेकिन लगता है बच्चा क्या खाएगा, तो फिर ऑब्वियस ही बात है कि बनाना तो पड़ेगा ही। तो वही खाना वाना मैं बना रही हूँ, और तब तक सोचा मैं ब्लॉग को यही एंड करती हूँ। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा, अगर चैनल पे नए हैं तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे, किसी नए वीडियो में। तब तक ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, ना ख्याल रखिएगा, सेफ रहिएगा।